हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस हम। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो सीटेट की तरफ से यहाँ पे जो जॉब की नोटिफिकेशन निकलेगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए होंगे मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मांग गया सीटेट फॉर्म को भरने में और कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो सीटेट जुलाई 2020 के लिए या जॉब की नोटिफिकेशन निकाली गई, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, तो नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जो डेट दी गई है, तो यह डेट दो या स्टार्टिंग डेट यहाँ पे जो बोली गई है 24/1/2020, यहाँ पे इस फॉर्म को ऑनलाइन करने का स्टार्टिंग डेट यहाँ पे बोली गई, और लास्ट डेट यहाँ पे जो बोला गया है 24/2/2020 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट बोला गया था। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं 24/1/2020 से लेकर 24/2/2020 तक इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी के बारे में यहाँ पे बोली गई, तो यहाँ पे जो डेट दी गई है 27/2/2020 इस फॉर्म को अप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है। ठीक है, तो इस फॉर्म का जो अप्लीकेशन फ़ी है 27/2/2020 तक इस फॉर्म का अप्लीकेशन फ़ी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे जो दी गई है 5 जुलाई 2020, जो कि आपका संडे के दिन आपका पड़ता है, उसी दिन आपका यहाँ पे सीटेट का आपका एग्ज़ाम यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई में 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम लेने वाला है। ओके, और नीचे में स्क्रॉल कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो सेकंड नंबर में यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पे स्टेप वाइज यहाँ पे दी गई है कि आप इस फॉर्म को कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें आपको यहाँ पे जाना होगा, उसके बाद गो टू द लिंक यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन के बारे में यहाँ पे दी गई इसमें आपको ओपन करना होगा। और स्टेप थ्री में आप देख सकते हैं कि फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो उसके बाद फोर्थ नंबर में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर या फिर स्कैन इमेजेस, आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो फाइव स्टेप यहाँ पे दी गई है, पे एग्जामिनेशन फ़ी या फिर एग्जाम को यहाँ पे चालान या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, यहाँ पे स्टेप फाइव में पे ऑफ अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और स्टेप सिक्स में यहाँ पे जो बोला गया प्रिंट कन्फर्मेशन पेज, तो आप यहाँ से चाहें तो अपना प्रिंट आउट यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर में यहाँ पे जो बोला गया रजिस्ट्रेशन प्रोसीडियर के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीडियर के बारे में आप नीचे से यहाँ पे अच्छी तरह से आप यहाँ से देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ नीचे में जाइएगा तो यहाँ पे जो डी नंबर में यहाँ पे जो बोला गया है एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, तो जो पे एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे जो ली जा रही है कैटेगरी वाइज यहाँ पे ली जा रही है, तो जनरल और जो कि ओबीसी एंड जनरल जो नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे उसके लिए यहाँ पे 1000 एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है ओनली पेपर वन और पेपर टू के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोथ पेपर यानी कि जो लोग यहाँ पे पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए यहाँ पे 1200 एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है, एंड ओनली फॉर पेपर वन या फिर पेपर टू के लिए आपको 1000 ली जा रही है ओनली जनरल एंड ओबीसी के लिए। और जो लोग यहाँ पे एससी एंड एसटी कैंडिडेट में आते होंगे उसके लिए ओनली पेपर वन या फिर ओनली पेपर टू के लिए यहाँ पे 500 एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। और जो यहाँ पे दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पेपर वन एंड पेपर टू के लिए, तो जो यहाँ पे 600 आपको ली जा रही है फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना है, तो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे जो बोली गई है, तो आप ई चालान के थ्रू भी आप इसका अप्लीकेशन फ़ी को आप पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बोला गया है कि आप स्टेट बैंक का या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप इस अप्लीकेशन फ़ी को आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपका यहाँ पे कुछ फोर का ऑप्शन दिखेगा। फोर्थ स्कोर में यहाँ पे जो बोला गया है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे जो बोली गई है डेट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर वन टाइमिंग एंड ड्यूरेशन के लिए, तो यहाँ पे जो 5 तारीख को यहाँ पे ली जा रही है जो संडे को पेपर वन, तो पेपर वन में आपको जो टाइमिंग यहाँ पे दी जा रही है 9:30 से लेकर दोपहर के 12 बजे यहाँ पे टाइमिंग दी गई है, जो कि ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का यहाँ पे बताई गई है। एंड 5/7/2020 को भी यहाँ पे पेपर टू के लिए भी आपको यहाँ पे ली जाएगी, जिसमें आपको टाइमिंग जो यहाँ पे जो बोला गया 2 से लेकर शाम 4:30 बजे तक यहाँ पे टाइमिंग दी गई, जिसमें आपका जो ड्यूरेशन इसमें भी आपका 2.5 घंटे का आपका यहाँ पे ड्यूरेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर में यहाँ पे जो मोड ऑफ सबमिशंस ऑफ अप्लीकेशन यहाँ पे जो बोला गया ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आप सबमिशन कर सकते हैं। ओके, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे जो सिक्स ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे जो कैंडिडेट इस फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट आप भर सकते हैं किस क्लास के लिए, तो यहाँ से सबसे पहले 6.1 में यहाँ पे जो बोला गया मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 1 टू 5 प्राइमरी स्टेजेस, तो
तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्टेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं 1 से लेकर 5 क्लास तक लिए, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे बोला गया है विथ एटलीस्ट 50% एंड पास और अपियरिंग इन फाइनल ईयर और ये डिप्लोमा इन मिलिट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में जिसका 50% मार्क्स होगा या फिर फाइनल ईयर में आप भी अपियरिंग होंगे तो अभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और नीचे में भी यहाँ पे जो बोला गया है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स यहाँ पे बोला गया है, जो कि यहाँ पे फाइनल ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बोली गई है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50%, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट बीएड या फिर डीएलईडी किए होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन बोला गया था, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी यहाँ पे बोला गया है, ओके। और यहाँ पे 6.2 में यहाँ पे जो बोला गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 6 to 8, तो यहाँ पे 6 to 8 के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं एलिमेंट्री स्टेज के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बोला गया है ग्रेजुएशन एंड पासेस अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे जो DLED या फिर BEd यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकेंड में देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% के साथ यहाँ पे बोला गया है, ओके। यहाँ पे आप साफ कैंडिडेट देख सकते हैं कि यहाँ पे BEd एंड DLED यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं जहाँ पे जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे बोली गई है, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी होगी तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बोला गया है पेपर वन के लिए, तो पेपर वन के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लैंग्वेजेस कुछ दिए गए हैं, तो जो लैंग्वेज में आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो किस सब्जेक्ट में कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे कितने मार्क्स के आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आइएगा तो यहाँ पे लैंग्वेज कोड आपको मिलेंगे, तो लैंग्वेज कोड में आपको जो भी आपका स्टेट होगा जो आपका यहाँ पे आपका अच्छा लगे वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश यहाँ पे बंगाली सभी भाषाएं यहाँ पे दिए गए हैं, तो जिस भाषा से आप यहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोड वर्ड यहाँ पे चूज करके आप अप्लाई करने के टाइम आप भर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे में आप देख सकते हैं कि पेपर टू के लिए भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो पेपर टू के लिए भी यहाँ पे आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं कितने मार्क्स का यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे जो ऑप्शन 12 नंबर में यहाँ पे जो बोला गया एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, तो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे जो बोली गई लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज वेयर दिस सीटेट विल बी कंडक्टेड इज गिवन इन अपेंडिक्स, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव 4 डिफरेंट ऑप्शन, तो आपका यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दी जाएगी आपको चूज़ करने के लिए, आप किस स्टेट से आते होंगे उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दी जाएगी, तो आप खुद से अपना स्टेट या फिर जो भी आपका सिटीज़ नज़दीकी होगा आप 4 डिफरेंट सिटीज़ यहाँ से चूज़ करके आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 13 में यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में दिए गए हैं, तो आप यहाँ से अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्टेट एंड सिटीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आप जिस स्टेट से आते होंगे वहाँ से आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भाई बारे में दी गई है, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे छत्तीसगढ़ से आते होंगे उसके लिए यहाँ पे जो यहाँ पे सिटीज़ दिए गए हैं देख सकते हैं कि यहाँ पे रायपुर यहाँ पे दी गई है, एंड यहाँ पे जो लोग यहाँ पे झारखंड से आते होंगे तो झारखंड के लिए यहाँ पे जो सिटीज़ यहाँ पे दिए गए हैं बोकारो धनबाद रांची यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप जिस नज़दीकी सिटी से आते होंगे यहाँ से आप एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ से चूज़ करके आवेदन कर सकते हैं, ओके।